कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तभी सोचा लो यारो। जी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UPPCS 2019 के सिलेबस के बारे में। दोस्तों UPPCS का फॉर्म आ चुका है, ज़्यादातर समय पर जो होता है सिलेबस जो होता है सभी एग्ज़ाम्स का सेम रह रहा है। अब UPSC पैटर्न में ही सभी स्टेट पीछे जो है आयोग जितने भी हैं वो एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो देखिए, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसमें दो पेपर होंगे, GS1 और GS2। GS1 का जो पेपर होगा और GS2 का जो पेपर होगा दोनों ही दो दो घंटे के होंगे, मगर फर्क यह है कि GS1 जो होगा वो आपकी मेरिट काउंट करेगा और GS2 जो होगा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और इसमें दोनों ही पेपर आपके 200 नंबर के होंगे। GS1 जो होगा वो जनरल स्टडीज का पहला पेपर है, क्योंकि तो इसमें सब्जेक्ट होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ये सिलेबस क्या क्या है ये इसके लिए डिटेल्ड वीडियो रहेगी, मगर ये पहला जनरल ओवरव्यू है। और GS2 जो है एप्टीट्यूड हिंदी इंग्लिश ये सब्जेक्ट रहेंगे। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक बात कही गई है कि जनरल स्टडी पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, 33% मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम। GS1 पेपर इज कंसिडर्ड फॉर द स्क्रीनिंग स्टेज ऑफ द कैंडिडेट, इट्स मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट इन टू हॉल ऑफ मेन एग्जामिनेशन। तो देख रहे हैं, तो GS1 जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और GS2 जो है आपका 33% मार्क्स, यही लिखा गया है जो मैं आपसे अभी बोल रहा था। तो दोस्तों UPSC मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, इसमें जो है 6 पेपर टोटल वैसे रहेंगे, मगर टोटल 8 पेपर होंगे कैसे, हिंदी और ऐसे का पेपर जो है वो भी इंक्लूड है इसमें। UPSC के पैटर्न में जो होता है हिंदी का एक पेपर जो होता है वो हिंदी कंपलसरी या इंग्लिश कंपलसरी का पेपर ज़रूर होता है, मगर यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे टोटल मिला के हिंदी ऐसे जनरल स्टडीज़ पेपर 1, ये GS4 है और ऑप्शनल के 2, ये तो पूरा UPSC का पैटर्न है। और ऊपर हिंदी और ऐसे को भी जोड़ा गया है। सभी पेपर देखिए आप 3-3 घंटे के होंगे, और यहाँ पर देखिए हिंदी का पेपर जो है वो और ऐसे का पेपर है वो 150 नंबर के हैं, वहीं जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से लेके पेपर 4 और ऑप्शनल जितने भी हैं 200 मार्क्स के हैं। ऑप्शनल पूरा 400 नंबर का हो गया दोस्तों, तो ऑप्शनल आपका गेम चेंजर साबित होगा। वहीं जो है टोटल आपके मार्क्स जो हैं वो आपके 1500 मार्क्स हैं दोस्तों, तो 1500 मार्क्स आपको मेरे हिसाब से ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो आपके ऊपर के सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप देख लीजिए, अगर आपकी हिंदी सही है नहीं तो ऐसे राइटिंग भी आपके गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज्ड GS 1, 2, 3, 4 तो जनरलाइज्ड रहने वाला है, इसमें कोई भी एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं कर पाया है। और ये जो है सागर है, जिसमें आप जितना भरने की कोशिश करेंगे उतना कम पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप IAS आपके लिए लगातार जो है करंट अफेयर्स की सीरीज़ ला रहा है, और MPPSC स्पेशल हम घटना चक्र का अगर आपके लिए लेके आ रहे हैं तो आप IAS चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपको उससे नोटिफिकेशन आइकन जो है आपको मिलेंगे। और जो है जल्दी ही MP स्पेशल भी हम शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके और हम जो है अपनी ये सीरीज़ शुरू कर पाएँ। और इसके अलावा क्या नोट में दिया गया है, ये कहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट विल हैव 2 क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स ईच। तो ये बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो लिस्ट है उसके बारे में। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस है, केमिस्ट्री है, 35 से 36 ऑप्शनल दिए गए हैं। आप इसमें लिस्ट में देख लीजिए नाम है कि नहीं है, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, IR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अरेबिक लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी। इसके अलावा दोस्तों सोशल वर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, बॉटनी, इंग्लिश लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये जो हैं आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं। और मेंस के बाद आ गए आप इंटरव्यू में, क्योंकि आप प्री क्वालिफाई कर गए, मेंस में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि टोटल 35 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप प्री भी कर गए मेंस भी कर गए, अब आइए इंटरव्यू। इंटरव्यू के टोटल जो नंबर है वो 100 मार्क्स की है, और टोटल कंप्लीशन ऑफ फेजेस के बेस पे ही आपकी UPSC की है मेरिट जो है वो बनेगी दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। आपका पहले तो दोस्तों धन्यवाद कि आपने हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर जो हैं आपका प्यार लगातार बढ़ रहा है, और लगातार आप लोग जो है हमारे चैनल को इतना ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। अभी एक महीना भी नहीं हुआ कि आपने 2000 के करीब करीब हम पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों
ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, क्योंकि हम जल्द ही अपना चक्र का सार जो है वो सीरीज लाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम MPPSC का डिटेल्ड सिलेबस और UPPCS का पूरा डिटेल्ड सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर भी हम आ रहे हैं, तो बने रहिए टीम, आप आइए इसके साथ, आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट यहाँ मिलेगा। धन्यवाद।